हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, प्लम्बर सतीश ना? अरे वो हमारे किचन के नल से पानी रिस रहा है। तुम अभी आ सकते हो क्या? हाँ सर अभी आता हूँ। नमस्ते। नमस्ते, आ जाओ। चलो आ जाओ किचन में, मैं तुम्हें नल दिखाता हूँ। अरे ये किसको बुला लिया मैंने, इसके तो हथियार भी ठीक नहीं है। हो गया। हो गया क्या सब ठीक? जी हाँ ठीक है, चलो। ये लो भाई। इतने पैसे नहीं बनते साहब, आप आधे ही दीजिए। क्यों भाई, पैसे भी कोई छोड़ता है क्या? सर हर काम के पैसे तय होते, आप आज ज्यादा पैसे देंगे लेकिन हर बार मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे तो मुझे अफसोस होगा। इन पैसों से तुम नई आरी खरीद लेना, काम में आसानी होगी। नहीं साहब, हथियार है वो, टूटा हुआ तो क्या हुआ, फिर भी मेरा काम चल रहा है ना। देखो सर, लिखना आएगा तो किसी भी पेन से आप लिख लेंगे, नहीं लिखना आएगा तो चाहे कैसी भी कलम हो आप नहीं लिख पाएंगे। हुनर हाथ में है सर, मशीन में नहीं। ये थोड़े टूट गए हैं लेकिन काम आ रहे, नया लूंगा फिर यही हिस्सा टूटेगा। जब से ये टूटा है इसमें कोई टूटने के लिए बचा ही नहीं। चाय तो पियोगे? नहीं साहब, बहुत काम बाकी है। मुझे लग रहा था कि हम सारा दिन पैसों के पीछे भागते हैं, पर जब मेहनत और ईमानदारी का टूल हमारे पास हो तो असल में बहुत पैसों की जरूरत ही नहीं रह जाती। हमें बहुत से लोगों से यह सीखना है, ये लोग स्कूल में नहीं पढ़ाते, ये जिंदगी की यात्रा में कहीं भी किसी भी समय मिल जाते हैं। जरूरत तो है ऐसे लोगों को पहचानने की, इनसे सीखने की, झुककर इनकी सोच का सम्मान करने की। काश हम सब ऐसे ही प्लंबर होते हैं।